वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कचालू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे कि आप बिना गैस जलाए फटाफट बना सकते हैं। सबसे पहले हम उबले हुए आलू लेंगे और उनको छील लेंगे। अब उन छीले हुए आलू को इस तरीके से गोल शेप में काट लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से गोल गोल आकार के मैंने कट कर लिए हैं आलू को। और इस आलू में अब हम उबले हुए मटर डालेंगे। आप मटर को भिगोइए रात भर, फूल जाने पर उसको 2 से 3 सीटी लगाइए धीमी आंच पे, मटर तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, कलर अच्छा आएगा। अब आलू पे हम मटर डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हम इसमें भुनी हुई धनिया पीस कर डालेंगे। इसको मैंने घर पे तैयार किया था, आप ज़रूर साबुत धनिया को पीस लीजिए थोड़ा सा भून कर। और अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है लाल मिर्च तो स्किप कर दीजिए, मत डालिए। लाल मिर्च डालने पे थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा खाने में। और अब हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे इमली की। अगर आपको मीठी चटनी की रेसिपी जानना है तो मेरे वीडियो में जाइए चैनल में, तो उसमें आपको इमली की चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। और अब हम इस पे कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। बहुत ही कम आइटम में ये तैयार हो जाएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और एक की जगह 2 रोटी कम से कम खाएंगे आप। आप देख सकते हैं देखने में टेस्टी जब इतना लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा, ज़रूर ट्राई करिए एक बारी। और अब हम इस पे हरी धनिया डालने के बाद हरी मिर्च डाल देंगे काट के, जितना आपको तीखा पसंद है, और इसको मिक्स कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस बंदी में ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा बना है। बिना तेल बिना गैस जलाए हम इसे फटाफट बना सकते हैं। तैयार है आपके सूखे